भारतवर्ष के मध्य में बसा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड को जहां कला संस्कृति लोक गाथाओं के लिए जाना जाता है, यहीं पर है सागर शहर, जो सिर्फ यहां की प्रसिद्ध सागर झील, शिक्षाविद डॉक्टर हरि सिंह और सागर यूनिवर्सिटी के लिए ही नहीं जाना जाता, वरन ये शहर जाना जाता है बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्री विट्ठल भाई पटेल के लिए। श्री विट्ठल भाई पटेल के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर हम नजर डालें तो हम देखेंगे ये एक कुशल राजनीतिज्ञ, कवि, गीतकार, साहित्य साधक ही नहीं वरन कुशल संचालक, व्यवसायी तो आप रहे ही हैं, साथ ही समाज सेवक के रूप में गांधीवादी आत्मसात परंपराओं के साथ आपने जो समाज सेवा के कार्य किए हैं वे अविस्मरणीय हैं। आइए जानते हैं विट्ठल भाई पटेल के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को। सुबह हो गई है आपकी, काफी पहले दिनचर्या आपकी किस तरह से होती है? कल 4:30 बजे जी मैं कहीं तो वॉक करता जी, उसके अभी कम 2 किलोमीटर वॉक करता जी, इसके बाद स्नान, इसके बाद नाश्ता। वैसे तो बड़ा मुश्किल होता है, मतलब 70 बरस की उम्र में इस तरह का शेड्यूल मेंटेन करना, सुबह जल्दी उठना, योगा की तरफ ध्यान देना, तो मुश्किल नहीं होता? मुश्किल कुछ भी नहीं, अगर एक बार आपको आदत पड़ जाए जी। मैं अनेक शहरों में जाता हूँ लेकिन मेरी नींद अपने आप 4:30 बजे खुल जाती है जी। ट्रेन में जाऊँ तो, कार में जाऊँ तो, या किसी और 4:30 बजे माने 4:30 बजे। ये जिंदगी में इस नियम का कोई यदि इसको नियम बना ले जी, तो हर चीज आसान हो जाती है जी। पटेल साहब, एक सवाल जो मेरे मन में शुरू से कौंध रहा है और हमारे दर्शकों के मन में भी है कि एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी है, आप गीतकार भी हैं, कवि भी हैं, आप बिजनेसमैन भी हैं और एक पॉलिटिशियन भी हैं, गांधीवादी भी हैं आप, तो इन सारी चीज़ों को एक समेटना क्या किस तरह से करते हैं आप? पॉलिटिशियन होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता जी लेकिन गीत लिखने के लिए आपको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और आप में समझ होना चाहिए, तो यही फर्क है पॉलिटिशियन और गीतकार। पहले क्या है आप, इतनी सारी? पहले मैं गीतकार हूँ जी, गीतकार था, गीतकार हूँ जी और गीतकार रहूँगा। अच्छा, एक फिल्मों में शुरुआत कैसे हुई आपकी? गीत लिखना तो चलिए साहित्य से साहित्यकार हूँ, लेकिन फिल्में कैसे मिली आपको? शैलेन जी का मैं पेन फैन था, चिट्ठियाँ लिखा करता था उनको और वो मुझे जवाब दिए थे, उनके गीतों की आलोचना समालोचना,
फिल्मों के बारे में अक्सर मैं लिखा करता था और उनके जवाब आते थे मेरे पास। उस समय सलीम एक बहुत बड़ा नाम था, देश के बहुत बड़े गीतकार जी। मुझे गर्व होता कि सलीम जी पद तो मेरे पास थी जी। एक दिन मैं बम्बई गया, उनके घर गया, पार्वती सदन में रहते थे। मैंने अंदर खबर दे दी कि कह दो विठल भाई आए हैं।